ये क्वेश्चन को आप 3 टाइम या 4 टाइम आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, 16 मार्क्स में ये आता ही आता है क्वेश्चन हर बार के क्वेश्चन पेपर में। तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही न्यूमेरिक ज्यादा बनता है, जो स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड है। ये वैसे 2 मेथड से दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है वो यही है। ये बहुत ही ईजी है, आपको फॉर्मूला देखने के एक बार डर जरूर लगेगा, बट वो बिल्कुल ही ईजी है जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन होता है किन्हीं भी 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप। देखिए इजी लैंग्वेज में समझिए, कोई भी 2 वेरिएबल हैं, जैसे कि मान लीजिए मोटिवेशन है और लर्निंग है। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं कि आप कर सकते हैं इस यूनिट को, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, 16 मार्क्स पूरे जो है आप स्कोर कर सकते हैं इसमें से। देन आप जो है लर्न करेंगे कि हां भाई, आप अगर मैम ने कहा है, मोटिवेट किया है, तो हम उस चीज को लर्न करेंगे। तो क्या है ये 2 वेरिएबल है ना, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्या कोरिलेशन आ रहा है, उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, सिंगल नंबर दैट टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट टू थिंग्स आर रिलेटेड, कितनी एक्सटेंट तक 2 थिंग्स जो है वो आपस में रिलेट कर रही हैं, या फिर एक्सप्लोर द क्वांटिटी एंड रिलेशनशिप विद विच अकर बिटवीन 2 वेरिएबल। क्या उनकी क्वांटिटी, क्या उनकी रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, वो चीज देख सकते हैं। मतलब सबका सेम है, लेकिन 3 डेफिनेशन अलग अलग आप लिख सकते हैं साइंटिस्ट के नेम से। क्वांटिटी और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम यहां पर देख रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया मोटिवेशन का और लर्निंग का, आप इसमें एक्यूरेसी का और जो है स्पीड का भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी चीजें बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, आपकी स्पीड जो है वो स्लो होगी, आप धीरे धीरे कोई चीज लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी सुंदर आएगी, आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, आपकी स्पेलिंग्स भी ठीक होंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप स्पीड को तेज कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे डाउन चली जाएगी, वो आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप जो है जल्दी जल्दी कोई चीज लिखते हैं तो हो सकता है उसमें गलती हो भी जाए, तो इसलिए ये कहलाता है वेरिएबल। तो अब इसके टाइप्स क्या क्या है, होप सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी इजी लैंग्वेज में, कि कोरिलेशन क्या होता है, कि किसी भी 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देखना, कि कितने एक्सटेंट तक वो चेंज हो रहे हैं, सिमिलर चल रहे हैं, क्या है उनके बीच का रिलेशनशिप, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब फर्स्ट आ जाता है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जैसे कि मोटिवेशन एंड लर्निंग है, अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं तो आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है, अगर मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूं तो आपकी लर्निंग भी घट रही है। तो क्या है, वो एक साथ बढ़ रही है दोनों चीजें और एक साथ घट रही है, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। या तो दोनों की जो 2 वेरिएबल है वो दोनों एक साथ इंक्रीज हो, या दोनों एक साथ डिक्रीज हो, तो उसे कहा जाता है एक ही डायरेक्शन में चले मतलब, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। देन है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में यहाँ पे वही एक्यूरेसी का और स्पीड का एग्जाम्पल दे रखा है। अगर एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है तो आपकी स्पीड ऑफ कोर्स है लो होगी, अगर एक्यूरेसी कम है तो आप स्पीड हाई करके लिख सकते हैं या स्पीड हाई करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक अगर ज्यादा है तो दूसरी कम है, एक कम है तो दूसरी ज्यादा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उन्हें कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन किसे कहा जाएगा, कि इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं, उसे कहा जाएगा जीरो कोरिलेशन। जैसे कि इकोनॉमिक लेवल आपकी पास परसेंटेज को इफेक्ट ही नहीं करता। मान लीजिए इकोनॉमिक लेवल क्या है, वो आपकी पास परसेंटेज से उसका क्या लेना देना है, वो 2 वेरिएबल आपस में जो है कुछ रिलेशन ही नहीं रखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, 0 वेरिएबल, कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लीनियर कोरिलेशन क्या है, लीनियर कोरिलेशन है जब कोरिलेशन आपका मार्क किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ पेपर के ऊपर, जैसे कि ये लीनियर है, इसे लीनियर कहा जाता है। कर्वी लीनियर क्या होता है, जिसमें थोड़ा कर्व आ जाता है इस तरह से, उसे कर्वी लीनियर कहा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो लीनियर एंड कर्वी लीनियर, ये बिल्कुल इजी वर्ड में मैंने आपको बता दिया। अब जो है 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, 16 मार्क्स के हिसाब से आपको कैसे लिखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत ही इजी है, इसको देख के बिल्कुल मत घबराइए आप, जो 1 से स्टार्ट होगा ये, फिर 20 नंबर्स का डिफरेंस लेते हुए आप ऊपर तक आ जाएंगे, जैसे कि 100 तक का नहीं है, 99 है यहां पर, 61 से 80 का है, 41 से 60 का है, 21 से 40 का है, 0 से 20 का है। तो सबसे कम जो होगा वो नेग्लिजिबल कोरिलेशन है, मतलब कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कम है, नहीं है, नेग्लिजिबल है, नील के बराबर है। 21 से 40 के बीच में अगर आपका आता है तो लो है, फिर मॉडरेट है, फिर हाई है, फिर वेरी हाई है, और परफेक्ट कोरिलेशन वो होगा जब प्लस माइनस आपका 1 आ जाएगा। प्लस एंड माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है, माइनस साइन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है। तो ये आपको याद करके जानी ही है। प्लस 1 से आप बनानी शुरू कीजिएगा या 0 से आप बनानी शुरू कीजिए, और आपको ये पता है कि 6 तक टेबल बनेगी है, तो इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे आप 2020 में, पॉइंट 2020 का डिफरेंस दे देंगे इनमें। तो ये बन गया आपका। इसके बाद जो है कंप्यूटेशन कैसे करनी है, अब इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका रैंक डिफरेंस मेथड, एक होता है आपका प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। रैंक डिफरेंस मेथड को आप टिक कर लीजिए, आप इसको 16 मार्क्स के हिसाब से, 8 मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड आपके नहीं आता है, रैंक डिफरेंस मेथड आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, आप जो है न्यूमेरिक में मेरे मानने से, ये देखिए ये पूरे चैप्टर में से आप न्यूमेरिक ये करके जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही जो है मेरे स्टूडेंट्स को बताया था परसों, तो कल उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया है, और वो इतना थैंक कर रहे थे कि मैम आपने ये बताया, हमने फॉर्मूला
फॉर्मूला अच्छी तरह से इसको समझ के किया और हमारा पूरा 16 मार्क्स का वो क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट हुआ है। क्योंकि देखिए मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा है उसमें दो बार यही क्वेश्चन आए हुए हैं और कल तीसरा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पेपर में भी यही क्वेश्चन आ गया है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, पी जो है वो क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस टेबल से हम मैच करेंगे कि उनका रिलेशनशिप कितना आता है, उनका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हाई है, मॉडरेट है, लो है, क्या है, वो चीज हम देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले पी क्या है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है 1-6। यहां पर डी क्या है, डी जो है वो सम ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स है। अब देखिए आपको दो चीज मैं बताती हूं, आपका आरडीएम मेथड जो है, जो आपका रैंक डिफरेंशिएट मेथड है वो आपका स्पीयरमैन ने दिया था, और ये जो है ये स्कोर्स नहीं देखता, स्कोर्स को नहीं कैलकुलेट करता, ये करता है रैंक को कि बच्चे का रैंक क्या आया है। तो नॉर्मल रिलायबिलिटी इज नीडेड, यहां पर जो है ये रैंक नीडेड है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, पी क्या है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है, डी क्या है इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। आप यहां पर अभी सिर्फ डी को देखिए, आप इसका कोई भी डी स्क्वायर मत देखिए, डी इसमें क्या है, डी इसमें है R1-R2। R1 क्या है आपका रैंक 1 और रैंक 2, कोई भी दो सब्जेक्ट के आपको नंबर दिए जाएंगे उसमें बच्चों के रैंक निकालने हैं और उस हिसाब से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो हाईएस्ट रैंक होगा उसे 1 रैंक दिया जाएगा, जो लोएस्ट रैंक होगा उसे लास्ट रैंक दिया जाएगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डी निकलेगा, फिर उसके बाद डी स्क्वायर निकलेगा, और डी स्क्वायर जो है उसको सारे को आप प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बहुत स्कोरिंग है ये, आपके इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरे स्टेप वाइज अच्छी तरह से उसे करके आएंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एन इसमें है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की कितनी फ्रीक्वेंसीज है वो आपको देख के ही पता लग जाएंगी। अब चलिए हम चलते हैं इस पे, ये पूरा मैंने होप सो आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, नहीं तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी। ये आपका एक दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें मैथ्स के और साइंस के नंबर दिए हुए हैं, इसको हम टेबल फॉर्म में अब कन्वर्ट कर लेते हैं, यही सेम नंबर हमने टेबल फॉर्मेट में लगा लिए, आपको यहाँ पे कोई असेंडिंग कोई डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, आपने वैसे के वैसे नंबर लगा लिए जैसे आपको दिए गए हैं। अब तो बस आपको क्या करना है, इसी तरह से इनको R1 R2 में डिवाइड कर लेना है कि किसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं। जैसे 40 नंबर इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो उसे 1 रैंक दे दिया गया है, देन उसके बाद 35 है देन 2 रैंक दे दिया गया, इस तरह से आपको रैंक देना है। फिर R1 में से R2 माइनस कर लेना, ये आ जाएगा, देन इसका स्क्वायर कर देना, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आप करेंगे और फिर उसके बाद ये सारा टोटल कर देंगे तो 8 आ गया है आपके पास। इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, तो वो आपके 10 आ जाएंगे यहाँ पे। देन इस फॉर्मूले में फिट करके आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आया है, प्लस में आया है 0.952 का मतलब है कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहां से आप देखकर उस चीज का कोरिलेशन बता देंगे। आपको इस तरह का सम भी आ सकता है, मान लीजिए एक सम आया जिसमें कि सबके नंबर अलग अलग थे तो आपने इजीली रैंकिंग कर दी, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सम आया है जिसमें दो बच्चों के नंबर एक जैसे हैं तो उनको रैंक 3 करेंगे 5 करेंगे क्या करेंगे उनको एक साथ रैंक, तो उनकी रैंक को हाफ हाफ कर देंगे। जैसे कि इनकी रैंक जो है वो 6 नंबर पे है, दोनों की रैंक 6 नंबर पे है, तो आपने 6.5 कर दिया है, लेकिन इसके बाद 7th रैंक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 7th आना था, एक बच्चे का 6th आना था, एक बच्चे का 7th आना था। अगर दोनों के नंबर सेम है तो उनको 0.5 कर दिया कि 6.5 ये है 6.5 ये है, तो 7 नंबर नहीं आएगा, सीधा 8 आएगा, ये आपको बस ध्यान रखना है। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगेगा और इसी तरह से डिफरेंस निकलेगा इनका और इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आया है 0.9 और यहाँ पर भी 0.95 आया था, तो वो आपका हाई कोरिलेशन आ जाएगा आपका आंसर। तो ये था वाला क्वेश्चन, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे अभी, कल का ही पेपर है ये देखिए 2024 का कल का डेट का पेपर है ये, और आपके इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो आप 4 मार्क्स में देखिए इस चैप्टर में से कौन सा आया हुआ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आया हुआ है, एंड आप ये देखते हैं इसमें से जो सम आया हुआ है आपका 4th यूनिट में से, वो यही सम आया हुआ है रैंक डिफरेंस मेथड से, आपको इसको इंटरप्रेट करना है। तो इसमें क्या है, x एंड y है, आप टेबल बनाएंगे, फिर R1 निकालेंगे जो कि साइंस के सब्जेक्ट का होगा, R2 निकालेंगे जो कि मैथ के सब्जेक्ट का होगा, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, जैसे 2 है तो उसका 4 हो जाएगा, 1 है तो उसका 1 ही रहेगा, जैसे 0 का आपने देखा है 0 ही रहेगा, तो उसका आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद फिर उसको फॉर्मूले में फिट करके निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन सेकंड आपका आया हुआ है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, ये परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक मैं आपको अभी करवा रही हूं, आप जो है इन चीज को इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके जाइएगा, आपके स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा इससे।